भट्टी साहब, जब से पीडीएम में जो है ना वो एक चपकलिश सी सामने आई है, इनकी सफ़ों में जो एक तकसीम सामने आई है, मैंने सोचा आपसे बेहतर इस पे कोई तजिया नहीं कर सकता। इस पे जो ज़बरदस्त शेर व शायरी आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो पूछना मैं ये चाहती हूँ, ना आर हुआ ना पार हुआ, ना इस्तीफे आए, लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया, ये हुआ क्या आपके नजदीक? अभी पीडीएम में कितनी सांसें बाकी हैं भी हैं या नहीं? नहीं, पीडीएम बिल्कुल वो जो आज भी हमारा बहुत बड़ी लंबी लंबी डिस्कशन चलती रही, पीडीएम मौजूद रहेगी। अच्छा, पीडीएम क्या है आप जरा गौर से करें, ये कोई जमहूरियत की जंग नहीं है, सिविलियन बालादस्ती की जंग नहीं है, ये वोट को इज्जत दो की जंग नहीं है। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि ये आल बचाओ है, माल बचाओ है, खाल बचाओ है, कुछ करप्शंस में घिरे हुए लोगों की सर्वाइवल है, कुछ जो इकतदार से बाहर निकले हुए लोग हैं जिनका सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है वो हैं। ये रहेगी, क्यों रहेगी? दो वजह से रहेगी। नंबर वन, सर्वाइवल का मसला है, इमरान खान का वक्त गुजारना है, 2.5 साल रेलिवेंट रहना है। नंबर टू, तब्दीली सरकार में इतना टैलेंट मौजूद है कि उन्होंने 20 साल ये कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन खड़ी नहीं हो सकती थी, उस इमरान खान ने 22 महीनों में 20 महीनों में इसको खड़ा कर दिया। अब भी वो देखें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, वादे, दावे, नारे, ये रहेंगे तो ये भी रहेंगे। तो इसलिए पीडीएम रहेगी। पीडीएम का वो आर या पार खत्म हो गया, इनकलाब खत्म हो गया, मजामत खत्म हो गया, वो आनिया जानिया खत्म हो गई, वो फुर्तियां खत्म हो गई, वो डेड लाइने खत्म हो गई, वो फतह की बशारतें खत्म हो गई। नून ने पीपी को दिया, पीपी ने नून को दिया? नहीं 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 पहली बार जनाब एतजाज अहसन साहब ने 2-3 जुमले कहे हुए हैं, आज वो बड़े गौर तलब हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरांवाला में जलसे में नफरत अंगेज जो तकरीर की गई या की नवाज शरीफ ने, वो हमें एतमाद में लिए बगैर की, पहला कांटा हमारे दिल में वहीं से, मतलब पहला कांटा वहीं से। नंबर टू, उन्होंने कहा है कि किस 2007-92 दो लॉन्ग मार्च हुए, किस लॉन्ग मार्च में इस्तीफों का मामला आया कि इस्तीफे दें तो लॉन्ग मार्च करें। नंबर थ्री, जरदारी साहब की 100 बात, तो हमने हमेशा जरदारी साहब पे तनकीद की, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे, लेकिन बात वही है कि मियां साहब आप तशरीफ लाएं, वापस आएं, ताकि हम ये तो पता है उनको नहीं जेल आना। जाना पड़े तो सारे तो मिलकर जाएं। क्यों रखा वापसी को? क्या वो इतने नहीं, सीधे हैं? क्यों नहीं आना? क्यों नहीं आना? क्यों नहीं आना? आपको नहीं पता क्यों नहीं आना? क्यों नहीं आना? 3 बजे मैं बताता हूं क्यों क्यों नहीं आना। इखलाकी तौर पर इलाज के लिए गए थे, इस पूरे निजाम से झूठ बोलकर नाहल मुजरम नवाज शरीफ साहब जो इस पूरे निजाम से झूठ बोलकर गए थे, तजीक करके अदालत ने कहा निजाम की हुई, किस लिए गए थे? इलाज के लिए। इलाज 1.5 साल में ना एक दिन अस्पताल, ना एक दिन बाकायदा इलाज, तो वापस आना चाहिए। कानूनी तौर पर इश्तियारी हो चुकी है, अदालतें बुला रही हैं, क्यों नहीं आना? आना चाहिए। इखलाकी तौर पर वो वापस आना चाहिए। सियासी तौर पर अब आना चाहिए। आप जरदारी साहब सिखाएंगे नवाज शरीफ साहब को? नहीं नहीं सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे। लेकिन बात देखिए, छोड़ दीजिए कौन कह रहा है, छोड़ दीजिए, ये इस पे फोकस कीजिए कह क्या रहा है। इखलाकियात का हमारी सियासत, हमारी जमहूरियत से में इखलाकियात दोनों तरफ नहीं है, हुकूमत की तरफ, अपोजिशन की तरफ, ना इखलाकियात, ना असूल, ना मंतक। लेकिन सियासी तौर पर जब आप कहें कि मैं वोट को इज्जत देनी है, जब आप कहें कि मैंने सिविलियन बालादस्ती कायम करनी है, जब आप कहें कि मैंने 72 साल हिस्ट्री बदलनी है, जब आप कहें कि मैंने इनकलाब लाना है, जब आप कहें कि मैंने मजाहमत करनी है, तब आप वीडियो लंकी कायद नहीं बन सकते। फिर आप सदर थे मुस्लिम लीग के, मरियम नवाज साहबा ने कहा नहीं सदर नहीं है, कायद हो गए हैं। मरियम नवाज साहबा ने कहा कायद नहीं, रहबर हो गए। मरियम नवाज साहबा ने कहा रहबर नहीं, इमाम खुमैनी हो गए हैं। तो जब आप इतने बड़े मनसब पर फायज हो जाएं, 22 करोड़ का आपके कंधों पर बोझ हो, आपने 72-74 साल हिस्ट्री बदलनी हो, फिर आप कहां रहते? पीपल्स पार्टी को इतना तो क्रेडिट दे, वापस आएं। उन्होंने 2014 में ना इमरान खान के साथ मिलकर नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना जो है ना वो मुनासिब समझा, उन्होंने तब भी कहा था जमहूरियत को डिरेल नहीं करेंगे, सिस्टम चलता रहना चाहिए। ना ही आज वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर जो
है ना वो इनको गिराना चाहते हैं, तो ये तो क्रेडिट दें कि सिस्टम में रहकर वो खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए मान लिया सिंध है, मान लिया 600-700 अरब है, मान लिया 18वीं तरमीम के बाद एक हेवन है जिसको जरदारी साहब अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना, मान लिया उनके स्टेक हैं इस निजाम में, मान लिया उन्होंने वोट लेकर गिलानी साहब को सेनेटर बनवा के टाटा बाय बाय कर दिया, मान लिया कि उनके और बड़े निजाम सब मान लिया, मगर ये कहां का इंसाफ है, कहां की जमहूरियत है, कहां की सियासत है कि मैं चूंकि असेंबली में नहीं हूं, मैं चूंकि इक्तदार में नहीं हूं, तुम घर जाओ। मौलाना साहब ने क्या फरमाया, क्या खूबसूरत जुमला, आखिरी आपकी नजर करता जाता हूं। मौलाना साहब ने फरमाया पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी है। आप अंदाजा कर लें कि हमारे यहां अब ये भी मसला आ गया कि सारी जमहूरियत मेरे वजूद शरीफ में है, सब जमहूरियत मैं हूं, मेरे अगेंस्ट जो भी बोलेगा वो गैर जमहूरी है। पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम चल सकती है क्या? चंद सांसें भी अगर उसमें बाकी हैं तो क्या वो पीपल्स पार्टी के बगैर चल सकती है? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आखिरी सवाल क्यों कर रही हैं? बात बुनियादी तौर पे ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये कभी भी हमेशा इकट्ठे रहेंगे, किसी ना ढीले ढाले सिस्टम में रहेंगे, लेकिन मोमेंटम खत्म हो गया है, गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब पीपल्स पार्टी आखिरी जुमला फिर एतजाज हसन साहब का कि पहली मरतबा पीडीएम में जरदारी साहब ने अपना एजेंडा सेट किया है, वरना इससे पहले नवाज मरियम का एजेंडा चल रहा था। तो अब ये चलेंगे सही, छोड़ेंगे नहीं, इलेहदा नहीं होंगे, सर्वाइवल का मसला है। फिर आखिरी बात, आखिरी आपकी फिर नजर कर रहा हूं, क्या याद करेंगी कि आप पीडीएम का खतरा टल गया है, हुकूमत के लिए कितना अच्छा मौका है, 2.5 साल रह गए, कुछ अवाम के लिए भी कर दें, परफॉर्म करें, अवाम को एक आम आदमी को रिलीफ दें, भाई ये खतरा था टल गया है। मैसेज मुझे कुछ दोस्तों ने बाहर से भिजवाए हैं, इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले, बाकी कुछ अंदर से। एक मैसेज मैं आपके जरिए से इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि अगर 92 का वर्ल्ड कप हम वापस आईसीसी को दे दें तो हमारी इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से जान छूट सकती है। इमरान खान साहब तो कहने का मकसद है फोकस्ड करें, किस पे, दावों, वादों, नारों पर फोकस करें, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी पर। इस कामयाब आज इमरान खान साहब ने कहा है मुझे दूसरी इनिंग्स का मौका मिला है, ये जो पीडीएम से। इमरान खान साहब आपको अल्लाह, पहले आप 2020 खेल रहे थे, फिर वनडे पे आ गए, आज पता चला आप टेस्ट खेल रहे हैं। चलो टेस्ट भी 5 दिन का होता है, 5 साल 2.5 साल गुजर गए हैं। फोकस करें वादे, दावे, नारे, फोकस करें महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, फोकस करें अपने आप, जो कुछ आपने कहा है तब्दीली पर, फलाई रियासत पर, जो कुछ कहा है उस पर।